जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की ओर से स्वास्थ्य रक्षणार्थ वासंतिक वमन कर्म शिविर का आयोजन किया गया। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल ने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार बसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ता है, जिससे शरीर से बाहर निकलने के लिए वमन चिकित्सा की जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 30 अप्रैल तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। संस्थान का पंचकर्म विभाग हर वर्ष की भांति इस बार भी वासंतिक वमन कैंप आयोजित कर रहा है, जो 19 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक चलेगा। इसके अंतर्गत हम जो वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से कफ का प्रकोप होता है सभी आदमियों में, तो इस वमन के द्वारा हम जो दूषित कफ है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कफ जनित होने वाले जो भविष्य में जो भी रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। सामान्य रूप से जो हमारे पेट के संबंधित रोग हैं उनकी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। साथ साथ आजकल थायराइड वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें ये काफ़ी लाभकारी है। और जितनी भी स्किन डिजीज है, त्वचागत जितने भी रोग हैं, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, विटिलिगो हो, या जो अर्टिकेरिया वाले रैशेज यहाँ आ रहे हैं, उन सब में ये वासंतिक वमन बहुत ज़्यादा सहायक है।